बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। पाक भारत जंग का खतरा अब भी है, भारत बताए अमन चाहता है या खित्ते में बिगाड़। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं पाक भारत कशीदगी कम हो गई, मोदी हुकूमत ने जारियत जारी रखी तो खित्ते के अमन को खतरा होगा, भारत इल्जाम तराशी की बजाय अपने गरेबान में झांक। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मोदी सरकार के गले पड़ गया, दुनिया भर में भारत की रुसवाई। बरतानवी न्यूज एजेंसी राइटर्स की बालाकोट हमले में हलाकतों की तर्दीद। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस जगह भारत ने बम गिराए वहां कोई इमारत ही नहीं। भारतीय फजाइया का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकारा, बटगाम में अपने ही हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी जहाज समझकर मार गिराया। भारतीय अखबार ने भांडा फोड़ दिया, 27 फरवरी को हेलीकॉप्टर गिरने से 6 फौजी हलाक हुए थे। मोदी सरकार पाक भारत कशीदगी को कैश करने लगी, भारतीय अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पे पाकिस्तानी तैयारों की बमबारी का रोना रोते रहे, दलाल दिए पाकिस्तानी तैयारे बमबारी करके चले गए, अपने दिफा के लिए राफेल तैयारों की खरीदारी लाजमी है। कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी, विफाक और सिंध में कलदम तंजीमों के जेर एहतमाम चलने वाली मसाजिद और मदारिस को हुकूमत ने तहवील में ले लिया, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। शहरयार आफरीदी कहते हैं मकासिद के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। नवाज शरीफ का इलाज न होने पर मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली में हंगामा, ऐवान से वॉकआउट। राणा इकबाल कहते हैं साबिक वजीर आजम को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। फयाजुल हसन की वजारत जाने पर नून लीगी अरकान ऐवान में मिठाई बांटते रहे। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और वालदा की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वजीर आजम को अस्पताल जाने के लिए राजी करने की कोशिश। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मियां साहब ने कभी अपनी वालदा की बात से इनकार नहीं किया, उम्मीद है आज भी बात मान लें। हैदराबाद में मियां बीवी और 5 बच्चों की पुरअसरार हलाकत, घर से लाशें मिली। पुलिस का कहना है कि मरने वालों के जिस्मों पर गोली या तशद्दुद का कोई निशान नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घरों में दरख्त लगाना लाजमी करार दे दिया, 10 मरले के घर में 2, कनाल के घर में 3 दरख्त लगाना होंगे। और PSL का मेला अब कराची में सजेगा, शहर कायद में तैयारियां मुकम्मल, पिच भी तैयार कर ली गई, कराची वाले छक्के चौके देखने को बेताब। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज के साथ रहिएगा।